हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर 6, द फूड वी ईट। सो अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग देम। सो यहाँ लिखा है कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के फूड होते हैं और अलग अलग तरीके से इसे बनाया जाता है। जैसे कि खाना, फूड मीन्स खाना जो हम खाते हैं, तो हमारे पास अलग अलग टाइप के फूड होते हैं और उसे अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है, उसे अलग अलग तरीकों से पकाया जाता है। द ऑयल यूज्ड इन कुकिंग आवर फूड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हम खाना पकाने के लिए, कुक करने के लिए ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे कि हम खाना पकाने के लिए रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, घी, ये सब यूज़ करते हैं ना, तो लिखा हुआ है जो ऑयल खाना पकाने के लिए हम ऑयल यूज़ करते हैं वो भी जगह जगह पे डिपेंड करता है। मींस हमारे जगह में हम कौन सा तेल यूज़ करते हैं, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, घी, बट किसी दूसरे जगह में दूसरा ऑयल भी यूज़ हो सकता है। जैसे कि ऑयल जो होता है वो अलग अलग जगह पे डिपेंड करता है कि वहाँ कौन सा ऑयल यूज़ हो रहा है खाना पकाने के लिए। ओके, इन नॉर्थ इंडिया मीन्स जो नॉर्थ साइड में, आप लोग इंडिया के मैप में देखोगे कि जो नॉर्थ साइड में जितने भी स्टेट हैं वो किस में आ जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में। और जो नीचे साइड में, इंडिया के मैप में नीचे साइड में रहते हैं जितने भी स्टेट, जैसे कि तमिलनाडु, तो नीचे साइड में जितने भी स्टेट रहते हैं वो किस में आ जाते हैं, साउथ में। तो लिखा हुआ है नॉर्थ इंडिया में लोग जो हैं वो ज़्यादातर, मोस्टली मीन्स ज़्यादातर, तो नॉर्थ इंडिया में लोग जो हैं ज़्यादातर घी यूज़ करते हैं और मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। मींस नॉर्थ इंडिया, हमारा मध्य प्रदेश भी नॉर्थ इंडिया में आ जाता है। वैसे तो मध्य प्रदेश इंडिया के एकदम सेंटर पे होता है, इंडिया के मैप में आप लोग देखोगे कि एकदम सेंटर पे होता है, बट इसको नॉर्थ इंडिया में माना गया है कि ये नॉर्थ इंडिया का हिस्सा है। इन नॉर्थ इंडिया पीपल यूज़, नॉर्थ इंडिया में लोग जो हैं वो घी ज़्यादातर यूज़ करते हैं या मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। इन द साउथ, साउथ के तरफ में को ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली का तेल एंड कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल आर यूज्ड फॉर कुकिंग। साउथ की तरफ कुक करने के लिए, खाना पकाने के लिए ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब यूज़ होता है। Spices means masala. Spices are added to the food to make it colorful and tasty. जो मसाले होते हैं वो हमारे खाने में हम ऐड करते हैं ताकि हमारा खाना का जो स्वाद है, टेस्ट, वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए और हमारा खाना थोड़ा कलरफुल हो जाए, उसमें हमारे खाने का कलर थोड़ा चेंज हो जाए और हमारा खाना और टेस्टी हो जाए। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम अपने खाने में क्या डालते हैं, फूड पकाते टाइम हम क्या डालते हैं, स्पाइसेस डालते हैं, मसाला डालते हैं, जैसे कि सॉल्ट, कोरिएंडर मींस धनिया, ओके, देन टर्मरिक पाउडर, हल्दी, तो ये सब जितने भी मसाले होते हैं वो हम किस में डालते हैं, फूड बनाने के टाइम में, खाना बनाते टाइम हम ये स्पाइसेस डालते हैं ताकि उससे खाना और ज़्यादा टेस्टी हो जाए। स्पाइसेस हैव मेड द इंडियन फूड पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्पाइसेस जो है, मसाले की वजह से, मसाला जो है वो हमारे इंडियन फूड को पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर कर दिया है। पूरे वर्ल्ड में
हमारा जो इंडियन फूड है, भारत का जो खाना है, वो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया है स्पाइसेस की वजह से। मींस नामी हो गया है, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम हो गया है, हमारे इंडियन खाना का नाम हो गया है पूरे वर्ल्ड में। किसकी वजह से? स्पाइसेस की वजह से, क्योंकि स्पाइसेस की वजह से हमारा खाना बहुत ही टेस्टी हो जाता है। द डिशेस लाइक इडली, डोसा एंड सांभर फ्रॉम साउथ इंडिया एंड स्वीट्स ऑफ बंगाल लाइक रसगुल्ला, संदेश आर फेमस एवरीवेयर। इडली, डोसा, सांभर ये सब कहाँ बनते हैं? ये सब कहाँ ज़्यादातर यूज़ होते हैं? साउथ इंडिया में। वैसे तो हम लोग भी बनाते हैं, बट हम लोग हमेशा नहीं बनाते हैं, बट साउथ इंडिया में वहाँ का डेली का खाना ये इडली, डोसा ये सब होता है। जैसे हमारा डेली का खाना हम चपाती, राइस ये सब लेते हैं ना, वैसे ही साउथ इंडिया में वो डेली के खाने में इडली, डोसा लेते हैं। तो वहाँ पर इडली, डोसा ये सब ज़्यादा चलता है। एंड स्वीट्स ऑफ बंगाल, और जो बंगाल का स्वीट्स है, जैसे कि बंगाल का स्वीट्स जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, रसगुल्ला, वहाँ पर बोलते हैं रसगुल्ला। संदेश, संदेश भी एक मिठाई होती है, स्वीट्स होती है। आर फेमस एवरीवेयर, जो कि हर जगह फेमस है, हर जगह इस स्वीट्स का नाम है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है। All the fruits and vegetables are usually not available throughout the year. लिखा हुआ है कि सारे फ्रूट्स और सारे वेजिटेबल्स, सारे फ्रूट्स और सारे वेजिटेबल्स पूरे ईयर नहीं मिलते हैं, पूरे ईयर नहीं मिलते हैं। जैसे कि आप लोग को भी पता होगा कि पूरे साल भर हम हर टाइप का फ्रूट्स हम साल भर नहीं खा पाते हैं। जैसे कि मैंगो, मैंगो हम समर सीज़न में ही खाते हैं, समर सीज़न में मैंगो आता है, विंटर में नहीं आता है। एंड फिर विंटर सीज़न में, जैसे कि विंटर से सीज़न में पाइनएप्पल, कीवी, स्ट्रॉबेरी ये सब विंटर सीज़न में आता है, और समर सीज़न में और भी बहुत सारी चीज़ें आती है जो कि विंटर में नहीं आती है, वो सिर्फ समर सीज़न में आती है। जैसे कि वाटरमेलन, तरबूज, वाटरमेलन मींस तरबूज, मस्क मेलन मींस खरबूजा, लीची, ये सब किस में आते हैं? समर सीज़न में। तो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो कि पूरे ईयर नहीं मिलते हैं। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल ओनली इन अ पर्टिकुलर सीज़न एंड आर कॉल्ड सीजनल। तो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कि पर्टिकुलर सीज़न में मिलते हैं, पर्टिकुलर सीज़न मीन्स या तो जैसे कि सिर्फ समर में मिलते हैं या फिर सिर्फ विंटर में मिलते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो कि या तो सिर्फ समर में मिलते हैं या तो सिर्फ विंटर में मिलते हैं। एंड और कॉल्ड, और ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम क्या बोलते हैं? सीजनल फ्रूट या सीजनल वेजिटेबल। जैसे कि मैंगो क्या है? हमारा सीजनल फ्रूट है कि इसी सीज़न में आता है मैंगो, विंटर के टाइम में नहीं आता है। सच एज मैंगोज़ दे आर अवेलेबल ओनली इन समर। मैंगोज़ जो हैं वो हमेशा समर में मिलते हैं। नेम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल इन द फॉलोइंग सीजन्स। सो समर में यहाँ पर हम लोग को लिखना है जो कि समर में फ्रूट्स आते हैं, जो कि सिर्फ समर में आते हैं। विंटर में यहाँ पर हम लोग को लिखना है जो कि विंटर में आते हैं। थ्रू आउट द ईयर मीन्स पूरे ईयर जो फ्रूट्स पूरे ईयर आते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। सो दिस इज़ योर होमवर्क, यहाँ पर आप लोग को अपने से फिल करना है। ओके, समर में आप लोग मैंगो लिख सकते हो, वाटरमेलन लिख सकते हो, है ना। और जैसे कि थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जैसे कि एप्पल पूरे साल मिलता है ना। तो वैसे ही और भी कुछ कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो होते हैं वो जो पूरे ईयर मिलते हैं। दिस इज़ योर होमवर्क, डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ।
तो कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो कि सिर्फ समर में मिलते हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना है कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो कि सिर्फ विंटर में मिलते हैं, एंड कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो कि पूरे ईयर मिलते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, बनाया भी हुआ है ना पिक्चर में। समर में जैसे कि हम कुकुम्बर लिख सकते हैं, कुकुम्बर मीन्स खीरा, बॉटल गार्ड, ब्रिंजल्स, लेडी फिंगर, ये सब लिख सकते हैं। फिर विंटर में लिख सकते हैं स्पाइनेज मीन्स पालक, पीस मीन्स मटर, ये सब लिख सकते हैं। थ्रू आउट द ईयर, जो कि पूरे ईयर मिलता है, जैसे कि पोटैटो, लेमन मीन्स नींबू, ओनियन, ये सब पूरे ईयर मिलता है। तो आप लोग अपने से लिखना, आप लोग को पता है ना आप लोग समर में क्या खाते हो, समर में कौन से वेजिटेबल्स आते हैं ज़्यादातर, जो कि समर में आते हैं विंटर में नहीं आते हैं। और घर पे पापा जब वेजिटेबल्स लाते हैं या मम्मी लाती है मार्केट से, या फिर आप लोग भी जाते होगे कभी कभी, तो आप लोग जब खाते हो तो आप लोग को पता रहता होगा कि विंटर में ठंडी के टाइम में आप कौन से वेजिटेबल्स ज़्यादातर खाते हो जो कि आपको समर के टाइम में नहीं मिलता है, और कुछ ऐसे वेजिटेबल्स जो कि आपको पूरे ईयर मिलता है, जैसे कि पोटैटो, ओनियंस, लेमन्स, ये सब आप लिख सकते हो। ओके, विद द हेल्प ऑफ द रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट, रेल मीन्स जैसे कि ट्रेन वगैरह जो चलती है, ठीक है, रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट मीन्स जैसे कि आपकी बस हो गई, ट्रक हो गई, जो रोड पे चलती है। सीरियल्स मीन्स अनाज, फ्रूट्स मीन्स फल, एंड वेजिटेबल्स प्रोड्यूस्ड इन वन स्टेट आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लेसेस एंड आर मेड अवेलेबल इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल्स आर ग्रोन इन हिली एरियाज ओनली, बट वी कैन गेट देम ऑल ओवर द कंट्री। सो दिस मीन्स कि रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट की मदद से क्या होता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, रेल और रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से, जैसे कि ट्रेन से या ट्रक से, वो क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। जैसे कि हमारे स्टेट में कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो कि सिर्फ हमारे स्टेट में ग्रो होते हैं और दूसरे स्टेट में नहीं होते हैं, तो वहाँ के लोग नहीं खा पाते हैं, इसीलिए जब वहाँ के लोग को खाना है तो वहाँ के यहाँ से इस स्टेट से दूसरे स्टेट वो चला जाता है। जैसे कि एप्पल जो है वो हिली एरियाज में होते हैं सिर्फ, मींस पहाड़ी इलाके में सिर्फ ग्रो होते हैं, तो एप्पल क्या होता है कि उस जगह से वो सारे स्टेट में, पूरे इंडिया में वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एक पूरे इंडिया में वो एप्पल ट्रांसपोर्ट हो जाता है, चला जाता है, तो इससे एप्पल वो हर लोग खा पाते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो कि जिस स्टेट में ग्रो होते हैं वहाँ से सारे जगह पहुँच जाता है, तो इस तरह करके हम सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा पाते हैं। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, लर्न दिस चैप्टर, रीड दिस चैप्टर बाय योरसेल्फ, ओके, अंडरस्टैंड इट वेल, एंड दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।